हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना कुकिंग। आज हम व्रत स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट और आसान तरीके से साबूदाना पराठा बनाने वाले हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको इन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम नरम मुलायम गोल गोल ये पराठे बनते हैं और साबूदाना को भी भिगोने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले साबूदाना का आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया है। अगर हम वजन में मापें तो ये 250 ग्राम साबूदाना है और ये मीडियम साइज का लिया है, जिससे हम साबूदाना खिचड़ी खीर बनाते हैं। इससे बड़े और छोटे साइज का साबूदाना भी आता है। तो अब हम इसे एक पैन में डाल लेते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस ये क्रिस्प हो जाए। इसे भूनना जरूरी है। अगर आप ये साबूदाना को बिना भूने पीसेंगे तो ये अच्छे से नहीं पीसेंगे, ये दरदरा रह जाएगा और इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनेगा, तो फिर पराठा बनाने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए इसे भूनना जरूरी है। हमें इसे भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और ये क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसे गैस से उतार लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब आप इसे ठंडा होने दीजिए। अभी ये ठंडा हो गया है। अब आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल लीजिए। अब जार का ढक्कन लगाकर मिक्सी में इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। हमने ये पीस लिया है और ये देखिए एकदम फाइन साबूदाना आटा बन गया है। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। पहले चलनी से छान लीजिए ताकि इसमें जो मोटे कड़ रह गए हों वो चलनी में आ जाए। आप इसे ज़्यादा पीसकर कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका मन हो आप इससे पराठे पूरी बनाइए और आप इसे आराम से महीने भर यूज कीजिए। अब बनाते हैं इसका डो। अब हमने यहाँ ये 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें मिलाने के लिए अब ये उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लीजिए। आलू को हम कद्दूकस करके डालेंगे ताकि हमें पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इन्हें नाप लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप लिया है, जिससे हमने साबूदाना नापा था। 1 कप साबूदाना आटा के लिए आपको यहाँ पर 1 कप ही ये आलू का यूज करना है। अब ये ग्रेट किए हुए आलू इस आटे में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे व्रत में खाए जाने वाले मसाले। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पर आप जो चीज़ें व्रत में नहीं खाते उन्हें स्किप कर दीजिए। 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके ले लिया है। 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, जिसे हम व्रत वाला नमक भी कहते हैं। साथ ही 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया अच्छी क्वांटिटी में डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। पहले पानी नहीं डालना है, पहले हमें इन्हें ऐसे ही मिक्स करना है आलू के साथ, क्योंकि आलू में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी को एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। एक साथ पानी डालने से हमारा डो गीला भी हो सकता है, इसलिए इस डो में थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और मिक्स करते जाइएगा। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना है। इस तरीके का सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। और इस डो को लगाने के लिए हमने 1 कप पानी का यूज किया है। आटा हमारा लगकर तैयार है। हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए। डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच घी डालकर इसे थोड़ा सा और मसलकर चिकना कर लेते हैं। अब ये डो पराठा बनाने के लिए तैयार है।
और ये देखिए, हमें ये इस तरीके का सॉफ्ट आटा चाहिए। आप पराठे बनाने के लिए डो में से लोई बना लेते हैं। थोड़ा सा डो लेंगे, जितना हम नॉर्मल रोटी की लोई के लिए डो लेते हैं ना, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये पराठे थोड़े से मोटे होते हैं। पहले इस तरीके से गोल कर लीजिए और फिर दोनों हाथों के बीच में रखकर गोल गोल घुमाइए। और ये देखिए, ये गोल लोई बनकर तैयार है। अब इसे बेल लेते हैं। अब इस पर लगाइए सूखा आटा, जिससे कि बेलते टाइम लोई चिपके ना। इस पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर राजगिरा का आटा ले लिया है। आप कोई भी आटा ले लीजिए, जैसे समा का आटा या कुट्टू का आटा। पहले इसे इस तरह से हाथ से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिससे कि बेलने में थोड़ा आसान रहे। अब आप इसे बेल लीजिए, हल्का प्रेशर देते हुए ही बेलना है। इसे बेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये चिपके, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लीजिए। सूखा आटा डालकर बेल लीजिए और देखिए कितनी आसानी से ये बेल रहा है। अब ये पराठा हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब या तो आप इसे ऐसे ही सेक लीजिए, अगर ये किनारों से फट रहा है और आप एकदम गोल पराठा बनाना चाहते हो। गोल पराठा बनाने के लिए इस तरीके से कोई कटोरा या डब्बे का ढक्कन ले लीजिए। इसे हम पराठे पर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। इनके जो ये साइड हैं, इन्हें हम हटा देंगे। अब आप देखिए कितनी आसानी से ये गोल पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस पर। अब ये जो पराठे की किनारी वाला आटा बचा है, इसे आप दूसरी लोई में लगा लीजिए और सेम इसी तरीके से दूसरा पराठा बेल कर तैयार कर लीजिए। पराठा सेकने के लिए हमने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब गर्म तवे पर पराठा सेकने के लिए डालेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर सेक लेंगे। जब ये नीचे की साइड सिक जाएगा तो दूसरी साइड पलट देंगे। अब इधर की साइड भी 30 से 40 सेकेंड तक सेक लीजिए। अगर आपको फूले फूले पराठे बनाने हैं तो पहले आप इसे बिना तेल या घी लगाए ऐसे ही उलट पलट कर सेक लीजिए। अब देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया। अब हम इस पर देसी घी लगाएंगे। अब दूसरी साइड पलट देते हैं। अब इधर भी पराठे पर अच्छे से घी लगा लेते हैं। दोनों तरफ पराठे पर घी लगाकर पराठे को उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। अब ये पराठा दोनों तरफ अच्छे से सेक कर तैयार है, तो अब हम इसे तवे से उतार लेते हैं। और सारे पराठे हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। हमने ये सभी व्रत वाले साबूदाना पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट, नरम, मुलायम ये व्रत वाले आलू के पराठे बने हैं। अब आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए। हरे धनिए की चटनी या दही के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।